हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल स्टडी जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम करते आ रहे हैं एड्रेसिंग एड्रेसिंग मोड डिफरेंट टाइप के मोड्स हमने देखे अब तक हम सिक्स टाइप के डिफरेंट टाइप एड्रेसिंग मोड्स कर चुके हैं आज करने जा रहे हैं हम उससे टाइप का एड्रेस मोड कौन सा मोड होता है वो नेक्स्ट मोड तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिलेटिव एड्रेस मोड कौन सा मोड होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है किन किन चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है इस एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एड्रेसिंग जो रिलेटिव एड्रेस मोड है इस मोड का दूसरा नाम या फिर इसको और हम किस नाम से जानते हैं वो होता है पीसी एड्रेसिंग मोड क्यों होता है पीसी एड्रेसिंग मोड बिकॉज जो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसके अंदर रिलेटिव एड्रेस होता है वो पी काउंटर पर काम करता है मीस पी काउंटर से रिलेट करके काम करता है उस पर बेस्ड होता है किस तरह से बेस्ड हो सकता है वो अब देखो पी काउंटर का काम क्या होता है सिंपल सा काम होता है उसका कि एक इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है जिसको एग्जीक्यूट होना है वो भी वेटिंग स्टेट पर या फिर रेडी स्टेट पे है उसको रनिंग में लाने के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है या कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी उसके एड्रेस को कंटेन करता है उसको पॉइंट आउट करते हैं कि अगर अभी इंस्ट्रक्शन नंबर नाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है तो वो क्या करेगा एड्रेस काउंट करेगा या एड्रेस स्टोर करके रखेगा किसका इंस्ट्रक्शन नंबर टेन का मिस उससे एक एक्स्ट्रा का एड्रेस को वो कंटेन करता है इसलिए इसको हम पीसी एड्रेसिंग भी बोलते हैं क्योंकि प्रोग्राम काउंटर यहाँ पर जो है एड्रेस को कंटेन करता है और उसके अंदर जो एड्रेस होता है वो रिलेटिव एड्रेस को फाउंड करने के लिए यूज किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग सीपीयू एट द काउंट कंटेंट टू द प्रोग्राम काउंटर एंड कंटेंट ऑफ द एड्रेस गिवन टू द इंस्ट्रक्शन और द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर हमें किसी भी ओपरेंट का कोई इफेक्टिव एड्रेस है उस एड्रेस को हमें फाइंड करना है ठीक है टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन ठीक है इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है ओपरेंट का जो इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा एड्रेसिंग मोड डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट एड्रेसिंग मोड का मीन क्या है अलग अलग तरह के ये वेरी करते हैं जो डिफरेंट टाइप के एड्रेस किस किस तरह के एड्रेस में मोड हो सकते हैं कौन से कौन से उसके टाइप्स हो सकते हैं जिसका हम यूज़ करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन में ठीक तो अब यहाँ पे वो सिंपल कह रहे हैं कि अगर हमें इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है किसी भी ऑपरेंट का जो किसके अंदर गिवन है इंस्ट्रक्शन में तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर मीन्स पीसी प्रोग्राम काउंटर क्या होता है पीसी पीसी का एड्रेस जो उसके अंदर कंटेंट है कंटेंट क्या है पीसी के अंदर क्या कंटेंट हो सकता है प्रोग्राम काउंटर में प्रोग्राम काउंटर का यूज क्या होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाली है उसके एड्रेस को कंटेन करना तो सिंपल सी बात है प्रोग्राम काउंटर में कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा डेटा नहीं होगा वो एड्रेस होगा किसी ना किसी नेक्स्ट एड्रेस का तो उस एड्रेस को लेंगे एज अ कंटेंट यूज करेंगे प्लस और क्या ऐड करेंगे उसके साथ हम कंटेंट ऑफ द एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन और जो इंस्ट्रक्शन के अंदर कंटेंट गिवन है इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस गिवन है या कंटेंट गिवन है उसको ऐड करेंगे इससे क्या मिलेगा इससे मिलेगा फॉर कंटेंट द गिवन इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इससे हमें जो इंस्ट्रक्शन के अंदर एक्चुअल एड्रेस है इफेक्टिव एड्रेस है ऑपरेंट का वो मिलेगा अब देखो इसका फॉर्मूला फॉर्मुला में भी सेम चीज लिखी हुई है कि अगर हमें किसी भी ऑपरेंट का इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो प्रोग्राम काउंटर में कंटेंट है उस कंटेंट के साथ में ऐड करना पड़ेगा कंटेंट ऑफ द एड्रेस फील्ड एड्रेस फील्ड अब एड्रेस फील्ड किस में होगा इंस्ट्रक्शन में होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही तो एड्रेस स्टोर किया जाता है है ना इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस किसका स्टोर होता है जिसकी हमें नीड है जिस ओपरेंट की नीड है जहां पर वो ओपरेंट प्रेजेंट होगा उसकी नीड है है ना तो उसका एड्रेस होता है चाहे वो मेमोरी का एड्रेस हो कोई रजिस्टर का नेम हो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो किसी भी टाइप का हो लेकिन इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में हमेशा एड्रेस दिया जाता है जो किससे रिलेट करता है हमेशा ओपरेंट से ठीक तो इसके अंदर तो वो एड्रेस है जो ऑपरेंट से रिलेट करता है मीन ऑपरेंट का एड्रेस डायरेक्टली का हो या इनडायरेक्टली या ऑपरेंट के एड्रेस को ही कंटेन करता है पीसी काउंटर क्या करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करता है है ना तो अब ये देखो दो टाइप के एड्रेस को कंटेन करके चल रहा है एक तो नए वाला जो इंस्ट्रक्शन आनी है वो और जो करंट में हमें चाहिए जिसका ऑपरेंट वो वाला उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा ऑपरेंट का ठीक और न्यू एड्रेस इज जनरेटेड कार द रिलेटिव एड्रेस जो अब इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है पीसी काउंटर में एड्रेस अलग है एड्रेस फील्ड में जो कंटेंट है उसका एड्रेस अलग है दोनों को मिला के एक नया एड्रेस जनरेट हुआ इफेक्टिव एड्रेस जिसे हम बोल रहे हैं कि ये ऑपरेंट का इफेक्टिव एड्रेस है तो जो न्यू एड्रेस जनरेट हुआ है ये वाला जो एड्रेस न्यू जनरेट हुआ है इसको हम क्या कहेंगे रिलेटिव बोलेंगे रिलेटिव एड्रेस है मीन उससे रिलेट करता एड्रेस है जिसकी हमें नीड है ठीक है इसलिए इसको हम पी एड्रेसिंग भी बोलते हैं और दूसरा नाम इसको हम रिलेटिव एड्रेस मोड भी बोलते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ये टू अलग अलग एग्जाम्पल हैं डिफरेंट एग्जाम्पल हैं फर्स्टली तो वो बोल रहा है कि ऐड कर दो ऐड के बाद प्लस का सिंबल भी दिखा रहा है ऐड करने के बाद वो कह रहा है कि हंड्रेड ठीक और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार हैशे स्टार छोटा सा होता है ना स्टार दूसरे में भी वो बोल रहे हैं कि ऐड कर दो ऐड का सिंबल है और हंड्रेड दिया हुआ है लेकिन इस बार स्टार नहीं है इस बार डॉलर का साइन है है ना यहाँ स्टार है यहाँ डॉलर का साइन है बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है तो जो ये सिम्बल्स यूज हुए हैं ये क्यों हुए हैं कुछ ना कुछ फैक्ट होगा इसके पीछे इसको यूज करने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न होगा क्या रीजन है हेयर द स्टार एंड द डॉलर रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ये स्टार है और जो डॉलर का सिंबल है दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इंस्ट्रक्शन इंप्लाइड टू एड द प्रोग्राम काउंटर टू द इंस्ट्रक्शन हंड्रेड टू फाइंड द फाइनल एड्रेस ऑफ द ऑपरेट ठीक है अब ये देखो हमने अभी एग्जाम्पल में फॉर्मूला पढ़ा इसका इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा जब हम प्रोग्राम काउंटर उसके साथ साथ एड्रेस फील्ड को प्लस करेंगे अब यहाँ पर एड्रेस फील्ड तो उसने दे दिया है हंड्रेड ये एड्रेस फील्ड है ठीक है प्रोग्राम काउंटर के लिए उसने दे दिया कि एड स्टार या फिर एड हैश जो डॉलर का सिंबल होता है उन दोनों को उसने ऐड कर दिया अब ये यूज़ होगा प्रोग्राम काउंटर के लिए जो प्रोग्राम काउंटर में कंटेंट है और ये हंड्रेड यूज़ हो रहा है

वैल्यू में कुछ ऐड हो रहे हैं डिक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कुछ डिक्रीमेंट होना माइनस होना इन दिस मोड अगर हम इस मोड का यूज करेंगे तब क्या होगा इन दिस मोड एड्रेस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय द वन कोई भी एड्रेस आपको गिवन है इंस्ट्रक्शन में कोई एड्रेस गिवन है अगर आपने उसके अंदर ये ऑटो इंक्रीमेंट मोड लगा दिया देन क्या होगा वो उस एड्रेस के अंदर प्लस वन कर देगा कैसे एग्जाम्पल देखो उसने लिखा है कि इफ अगर ए जो है फिफ्टी सिक्स एच है और इसके अंदर अगर हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया तो क्या बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ए की वैल्यू जो होगी नेक्स्ट वो क्या बन जाएगी 57 56 में प्लस वन कर दिया जो बन गया 57 इसी से अपोजिट है ऑटो डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है डिक्रीमेंट मीन माइनस होना सब्ट्रेक्शन होना इन दिस मोड द एड्रेस इज ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड बाय वन होगा हमेशा वन से चाहे वो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है होगा वन से फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल क्या है If, अगर ए जो है वो 58 है इसके अंदर हमने ऑटो डिक्रीमेंट मोड लगा दिया तब क्या बन जाएगा ये फिफ्टी एच बन जाएगा इसका मीनस है 58 में से वन को माइनस किया तो फिफ्टी बन गया तो फ्रेंड ये तुम्हारा तो आज का टॉपिक आज हमने किया रिलेटिव एड्रेस मोड ऑटो इंक्रीमेंट मोड एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड एड्रेसिंग मोड हमने किया आज अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आप सी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी स्टडी को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें